दोस्तों ये वाली चीज आपने गारंटी से पहले नहीं सीखी होगी। अंग्रेजी में अगर मैं कहूं नहीं को क्या कहता है, आपको लगता होगा नो या नॉटी बोलते होगे, लेकिन देखो हिंदी में वैरायटी देखो, सोचो इंग्लिश में कितनी होगी। बैठो मत, बैठना नहीं है, बैठना मना है, बैठना ही नहीं है कुछ भी हो जाए, ना बैठो बेटा ना बैठो, कभी मत बैठना, बैठना ही नहीं कुछ भी हो जाए, बैठना बिल्कुल मना है यहाँ पे। अच्छा बैठो तो सही, अच्छा बैठ कर दिखा भाई साहब, सोचा था कभी? डोंट वरी, इंग्लिश का सुपरस्टार तो नहीं हूँ लेकिन मैं आपका ट्रेनर हूँ। मेरा नाम है सरताज, आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, मैं हूँ आपका इंग्लिश ट्रेनर। इस सब की इंग्लिश बताऊंगा एग्जांपल के साथ। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की एकदम देसी स्टाइल में भाई। सबसे पहले बात करते हैं बैठो मत, और इसमें सभी में बैठो लिखा है लेकिन आप इसकी जगह कुछ भी ऐड कर सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के बाद। खड़े मत हो, चलो मत, खाओ मत, मरो मत, रो मत, कुछ भी, हम बैठो बैठो पे बनाएंगे। बैठो मत, अगर किसी को भी सिर्फ इतना बोलना है जिसमें ये मत आ जाए, देखिए मत, तो पता है उसे कैसे बोलेंगे? उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट सिट, डोंट सिट। सोचो डोंट खाली सिट, जैसे बोलो मत डोंट स्पीक, ए चलो मत डोंट वॉक, रे वहां मत थूको, डोंट स्पिट वहां मत खाओ, वहां मत करो, वहां मत, हर जगह आप डोंट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला समझ में आ गया, आसान था, अब मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला है बैठना नहीं है। चलिए मैं लाइन में खड़ा था, अब मैं लाइन में खड़े खड़े थक गया, मैं बैठा पीछे तो बैठना नहीं है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, खड़े ही रहूंगा, क्यों बैठना क्यों नहीं, वैसे क्या हो गया? तो बैठना नहीं है, तो ये कैसे बोलेंगे? इसे हम जहां पर भी ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए नहीं है, यानी ये काम करना नहीं है, तो इसे हम अंग्रेजी में बनाएंगे दोस्तों नॉट टू सिट। यानी आपको बस ये पहले नॉट टू बोलना है और उसके बाद कोई भी वर्ब लगा दीजिए, जैसे बोलना नहीं है नॉट टू स्पीक, हाँ हाँ हेलो भाई इधर इधर, पानी नहीं पीना है नॉट टू ड्रिंक वाटर, ऐसे, और पानी मत पियो मत वाला आ जाए तो डोंट लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला आता है बैठना मना है, खड़े होना मना है, चलना मना है, जीना मना है, मरना मना है, तो कैसे बोलेंगे? यानी हर जगह ये मना है आ रहा है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे सेटिंग इज नॉट अलाउड, सेटिंग इज नॉट अलाउड। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये इज नॉट अलाउड नाम का एक फ्रेज है, बस इसको पकड़ लेंगे और ये सबके साथ चिपका सकते हैं। बोलना मना है स्पीकिंग इज नॉट अलाउड, है ना, चाय पीना मना, टेकिंग टी इज नॉट अलाउड, है ना, और देखना सेइंग इज, भाई पहले मुझे बोलने तो दो, मेरे अंदर के इंसान बाद में बोल लियो, चलो। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है बैठना ही नहीं हो, भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मामा फूफा बैठना, उनकी शादी में जा रहा है बैठना ही नहीं है, हाँ ब्याह में जा रहा है खाना ही नहीं खाना, बस कुछ भी हो जाए, इनवाइट नहीं करा हमें, बस कार्ड देने आए थे, 10 बार फोन करा था और 4 बार गली में मिलकर बुलाया था, इसके अलावा उन्होंने 1 भी बार नहीं बोला कि हमारी शादी में आ जाओ, बस 12 बार बोला था, 13 बार बोलते तो आ भी जाते, तो भाई साहब वहां पे बैठना ही नहीं है, ये कैसे बोलेंगे? यानी ये काम करना ही नहीं है, ये वाला फिर से मैं निशान लगा देता हूं, यानी ये करना ही नहीं है। अब मैंने बैठना लगा दिया, हम अलग अलग लगाएंगे अभी, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट हैव टू सिट, डोंट हैव टू सिट। अगर हम किसी को बोल रहे हैं, जैसे मैं सामने वाले बोल रहा हूँ, हाँ ये तो सबके लिए है, डोंट हैव टू सिट, अगर मैं तुम्हें हाँ बैठना नहीं है वहां पे, समझ गया, तो यू लगा देंगे इसमें, यू डोंट हैव टू सिट, यू डोंट हैव टू सिट, ऐसे लगा देंगे, ठीक है, हाँ बोलना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू स्पीक, समझ रहा है, ओ भैया खाना ही नहीं खाना उनके यहाँ, कितने भी पीछे पड़ जाए, डोंट हैव टू ईट द फूड, ऐसे, तो यू ना भी लगाएं तब भी ये काम करेगा क्योंकि अमेरिकन फ्रेज है, बहुत काम का है। अगला है ना बैठो, ना बोलो, ना खाओ, अब ये बड़ा कॉमन सा है यार, मतलब छोटा सा बच्चों जैसा, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? इसमें बस कुछ नहीं आ रहा है, इसमें ना आ रहा है ना, चलो आओ देखते हैं, मैंने बिंदी से कैसे लगा दी, मैंने ना के नीचे खूबसूरत दिख रहा था, अच्छा खासा, तो इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे दोस्तों नॉट सिटिंग, नॉट सिटिंग, हाँ सिगरेट ना पियो, अरे भैया सट्टा मतलब नीचे, सर नो स्मोकिंग, ठीक है ना, हाँ भैया ना ना बोलो, ना बोलो, नो नो स्पीकिंग, ऐसे। तो जितना छोटा ये हिंदी में उतना ही छोटा ये अंग्रेजी में भी नजर आ रहा। अगला आ रहा है कभी वाला, देखो कभी मत, अब कोई भी काम जिसे आप लेकर गए ये काम कभी मत करो, जैसे कभी मत बैठना वहाँ पे, उसके बाद कभी मत जाना, हाँ उनके घर ना कभी थूकना ही मत, उनके घर कभी दिखना ही मत, तो कभी मत करना, इसे हम अंग्रेजी में सुनिए कैसे बोलेंगे दोस्तों। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेवर टू सिट, यानी इसमें जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो नेवर टू का लगाएंगे खाली, जैसे नेवर टू बोल देंगे उसके बाद कुछ भी बोल दो, कभी मत बोलना उनसे, नेवर टू स्पीक, नेवर टू टॉक देम, है ना, कभी उनके पास मत जाना, नेवर टू गो देयर, कभी ये चॉकलेट ये वाली मत खाना, नेवर टू ईट द चॉकलेट, तो आप अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगला वाला है बैठना ही नहीं, हाँ कितना भी कहे ना बैठना ही नहीं, बस खड़े रहना ऐसे बिल्कुल तने हुए, कहना हम ऐसे आए एहसान जताने के लिए तुम्हारे घर, बैठना ही नहीं, बोलना ही नहीं,
है ना, बात ही मत करना। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों इसे? इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ही नहीं आ रहा है, ही नहीं। चलिए ये ही नहीं है, इसमें है तो सिमिलर मत समझना, वो अलग चीज है, बैठना ही नहीं। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट वांट टू सिट, बैठना ही नहीं, ठीक है, डोंट वांट टू सिट। अच्छा, मुझे जाना ही नहीं, डोंट वांट टू गो। अगर मुझे लगाते हैं तो इसमें एक आई जोड़ सकते हैं, कहा है भैया आई, आई दीजिए, आई ये जोड़ सकते हैं। जैसे मुझे खाना ही नहीं, आई डोंट वांट टू ईट, मुझे उसकी शक्ल देखनी नहीं, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस या हर फेस, मुझे तुमसे बात करनी नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे आई डोंट वांट टू वॉक। बोल ले, तू ही बोल ले पहले, मैं हिंदी बाद में बोलूंगा, पहले तू ही बोल ले। चलो, तो यहां पे आपको कोई काम करना ही नहीं, आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बैठना बिल्कुल। ओ भाई, यहां पे तो मतलब पोस्टर वोस्टर लगा दिए और तार वार बांध दिए बिजली के, और क्या लिख दिया, बैठना बिल्कुल मना है, बैठने नहीं, कोई भी काम करना बिल्कुल मना है। तो आप देखिए, जो भी काम, ये तो हो गए छोटे मोटे, ये हो गया तगड़ा वाला मना, मतलब अगर ये काम कर दिया तो पुलिस वुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो इसको सुनिए क्या होगा, इसको हम बोलेंगे सिटिंग इज प्रोहिबिटेड, सिटिंग इज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे ये जो प्रोहिबिटेड शब्द है, इसका मतलब होता है कोई काम करना, वो अपराध की श्रेणी में आता है, यानी ये मना है, है ना। हाँ भैया, क्या यहाँ पर दारू पीना बिल्कुल मना है, ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, समझ गए। हाँ वही वही वही, हाँ। तो इस तरीके, जा भाई साहब यहाँ पर बोलना सख्त मना है, बिल्कुल मना कर रखा है, यहाँ पे जेल हो जाएगी। स्पीकिंग इज प्रोहिबिटेड, भाई से छूना मना है, इसमें 40 करोड़ वोल्ट चल रहे हैं, कितने 4000, हाँ वो 4000 वोल्ट चल रहे हैं। सो जो है टचिंग इट या जो भी छूइंग इट प्रोहिबिटेड। दोस्तों अगला आता है बैठे तो सही, ओ अब इज्जत उतरी, अभी तक मना करते आ रहे थे 8 बार, अब 2 इज्जत में आ गए, फिर इज्जत नीचे बेकार कर देंगे। बैठे तो सही, अरे भाई साहब, अरे खड़े हो तो सही, हो भाई साहब खाओ तो सही, भाई साहब आओ तो सही यार, आओ अंदर बैठो, चलो पूरी बनाओ जी इनके लिए। तो कैसे बोलेंगे इसे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, पहले से गंदा कर लिया मैंने, ये है तो सही वाला कॉन्सेप्ट। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डू से, आओ तो सही, अरे डू काम भाई साहब, इसका पकड़ के लग रहे मान, चलो ठीक है, बैठो तो सही, डू सी, खाओ तो, लाइक तो सही कर दो, सही लाइक तो, लाइक तो करो भाई साहब, चलो कर दो, करो तो सही, डू लाइक द वीडियो, सच बोल रहा हूँ, कर दो, लाइक का बटन होगा नीचे दबा दो, ठीक है। अब देखे, अभी होमवर्क भी आएगा, वो करके जाना। तो इसे डू लाइक, ऐसे आप डू सिट को अलग अलग चेंज कर सकते हैं, डू इट खाओ तो सही, डू 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 गो देयर जाओ तो सही। अगला आता है बैठ कर दिखाओ, ओ ऐसा, अभी देखियो अभी नई नई शादी हुई थी तो दामाद जी को, बैठो तो सही, ऐसा आओ इनके लिए चिकन बनाओ, खाओ तो सही, कोल्ड ड्रिंक लो, पियो तो सही यार, दामाद जी 1 साल बाद, बैठ कर दिखाइए, खा कर दिखाई, से बोल कर दिखाओ, अच्छा चल कर दिखाई जरा, ओ भाई साहब अब ये खतरनाक वाले आ गए। तो यानी दिखा या दिखाओ, अब इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे डेयर टू सिट, डेयर टू सिट, बैठ कर दिखाओ, डेयर टू सिट, हाथ लगा कर दिखाओ, डेयर टू टच, अच्छा जाकर दिखाओ जरा, गेट बंद कर रखा हमने दामाद, अभी बताते हैं, गो डेयर टू गो। चलिए तो इस तरह से कर सकते हैं, अभी होमवर्क बाकी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए यहाँ पे। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, ज़्यादा नहीं बस एक है, और इसकी इंग्लिश आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनानी है, सभी बच्चे मिलकर इंग्लिश ज़रूर बनाएंगे यार, क्योंकि इंग्लिश बनाने बहुत मज़ा आता है, आपको पता लगता है आपका स्टैमिना कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है इंग्लिश के बारे में। तो कोई भी बच्चा इसे स्किप ना करे, इंग्लिश बनाए हर हाल में इन एनी केस, ठीक है ना। और दोस्तों इसके अलावा मेरी किताब है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिस दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कहीं से कुछ भी मत खरीदना, मेरे नाम से फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि जब नाम बड़े हो जाते हैं तो फ्रॉड चालू हो जाते हैं, लोगों को लगता है इनके नाम से लूट लो जनता को, जनता पागल है। तो मुझे पता है मेरे स्टूडेंट इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी चीज़ जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ खरीदने के लिए तो मैं अपने चैनल पर अनाउंसमेंट करता हूँ, कभी किसी को पर्सनल कॉल नहीं जाती मेरी तरफ से, ना ही कोई मैसेज आएगा, कुछ नहीं। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सिर्फ किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से खरीदें, और कोर्स सिर्फ मेरे एप्लीकेशन से खरीदें, और कोई आपके घर भी आए ना, ओ हम सरताज सर ने भेजा हमें, लो हम आपके यहाँ दावत खाना है, भगा देना, उनकी दही तोड़ देना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज़्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।